नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से अर्जुन और पूरे परिवार के बीच में दरार आ चुकी है, क्योंकि पूरे परिवार को लग रहा है कि अर्जुन ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ऋषभ और पूरे लूथरा परिवार को ये भी लग रहा है कि अर्जुन ऐसे कर नहीं सकता, क्योंकि जरूर अर्जुन के कोई ना कोई पॉइंट आउट हो रहा है जिससे कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों के बीच में अर्जुन दिखाई देगा कि एक बार फिर से घर में इंटर करता है और सफाई देता हुआ नजर आता है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वहां पर प्रीता बोलती हुई नजर आएगी कि मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना और मुझे तुमसे कुछ भी लेन देन नहीं है। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में वाकई में अत्यंत ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें प्रीता बोलती हुई नजर आएंगी कि मुझे अर्जुन की सूरत तक नहीं देखनी, इस घर में अर्जुन का आना मना है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अर्जुन बोलता हुआ नजर आएगा कि तुम किसकी बात पर विश्वास कर रहे हो, तुम उस पृथ्वी की बात पर विश्वास कर रहे हो जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, उसकी बात को तुम लोग क्यों सुन रहे हो। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन की सच्चाई जल्दी ही लोगों के बीच में आने जा रही है, जिसमें पता चलेगा कि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि इसी घर का बेटा यानी कि करण लूथरा है। जी हाँ, डी करण लूथरा, जिसका एक रौफ था वो अर्जुन ही है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट, जबरदस्त धमाका देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि अर्जुन सूर्यवंशी इधर जो कर रहा है उसके साथ में अंजलि भी आती हुई नजर आने वाली है। अंजलि पहले समझाएंगी कि अर्जुन अब तुम्हें उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं उस घर में 1000 बार जाऊंगा क्योंकि वो मेरा घर है। रही प्रीता और ऋषभ की बात, तो इनकी असलियत मैं लोगों के सामने लेकर ही आने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।